Hi guys, namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. So this is going to be the reading for current energy next 24 hours के लिए. जिस person के बारे में आप सोच रहे हैं वो इस समय पर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, let's see. अगले 24 घंटों में उनकी energy आपके towards कैसी रहने वाली है, but सबसे पहले हम ये देखेंगे कि next 24 hours में जो आपका connection है इस सामने वाले इंसान के साथ में, इस कनेक्शन की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है. ओके फाइन. सो हमारा पहला कार्ड है जजमेंट, देन वी हैव द डेविल, ज्योति, असुर एंड रथ, यानी कि द चैरियट कार्ड. और ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की है द मैजिशियन, यानी कि उषा. ओके तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहां पे दिखाई दे रही है गाइस, फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के बारे में आप लोग सोच सकते हो, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लोग ले सकते हो, या हो सकता है कि ऑलरेडी किसी चेंज को लेकर के आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं जो इस पर्सन से जुड़ा है, इस कनेक्शन से जुड़ा है. आई कैन ऑल्सो सी कि अगले 24 घंटे में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में बढ़ सकती है, या ये ईविल आई या नजर दोष हो सकता है. सो आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में केयरफुल रहने की जरूरत है. ऑल्सो जिन लोगों की स्टग या स्टेग्नेंट एनर्जी चल रही है इस टाइम पर, चीजें जो है वो फंसी हुई हैं, थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ एनर्जेटिक चेंज आप लोगों के कनेक्शन में आ रहा है, चीजें आगे बढ़ने वाली हैं. एक और इंट्यूटिव मैसेज जो मुझे यहां पर आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में से आप में से काफी सारे लोगों के जो थॉट्स है या पुरानी मेमोरीज है वो आप लोगों के दोनों के माइंड में आ सकती है. ऑल राइट, नाउ वी विल सी कि ये जो सामने वाले पर्सन है इनकी एनर्जी इस समय पर आपके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स कैसी है. ओके जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके और उनके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स इस टाइम पर कैसी है. सो वी हैव अवर फर्स्ट कार्ड, दिस इज द फूल. नेक्स्ट वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इससे अगला कार्ड हमारे पास में है सेवन ऑफ कप्स. आई विल पिक टू मोर कार्ड्स. ये सामने वाला इंसान आपके और उनके रिश्ते के बारे में इस समय पर क्या फील कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं. एस ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स. सो राशियां जो यहां पे दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट ऑल द ज़ोडियक साइंस आर प्रेजेंट यहां पे. पेंटिकल्स भी है, कप्स भी है, सॉर्ड्स भी है, वॉन्ड भी है, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में एट ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में या तो थोड़ा सा इमोशनल गैप हो रहा है, या इनके मन में कोई बात चल रही है जो ये आपको बोलना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं उस बात को आपसे बताने के लिए या आपको कहने के लिए. जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, यानी कि अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ में बातचीत बिल्कुल बंद है, इस सामने वाले इंसान से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो गैप है वो संभव बढ़ता जा रहा है, और इस सिचुएशन की या जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रेडी हो रहे हैं, और दे आर थिंकिंग कि समहाउ अगर किसी सिचुएशन में इनको स्टैंड लेने की जरूरत है तो उस तरफ ये डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में ये एक्शन ले सकते हैं. राइट, नेक्स्ट 24 आवर्स में गाइज मुझे यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है किसी चीज को लेकर के कंफ्यूज और हर्ट भी हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला था विद द चैरियट कार्ड, जो रथ का कार्ड निकल के आया था. मैंने आपसे कहा था कि पास्ट को लेकर के कुछ यू नो मेमोरीज या पुरानी बातें इनके माइंड में आ सकती है, तो पुरानी बातों की वजह से कुछ इनको हर्ट हो सकता है. यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंडिकेशन भी थोड़ा बहुत आ रहा है, सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए है डेफिनेटली. किसी की बोली हुई बातों का ये बुरा मान सकते हैं, या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती है जो थोड़ी सी पेनफुल हो या थोड़ा सा हर्टफुल हो. राइट, इस रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क ऐड करने के बारे में भी ये सोच रहे हैं, या नए डायरेक्शन में इस रिश्ते को ले जाने के बारे में सोच रहे हैं. इनका जो कंप्लीट फोकस है नेक्स्ट 24 आवर्स में वो इस कनेक्शन के ऊपर रहने वाला है. ओके
द फूल कार्ड विद द जजमेंट, ये भी यहाँ पे कंफर्मेशन, एक स्ट्रांग कंफर्मेशन आ रही है गाइस डिवाइन की तरफ से दैट दे माइट टेक सम वेरी बिग डिसीजन या फाइनली किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये रेडी हो सकते हैं. नाउ लेट अस सी कि स्पेसिफिकली इनके जो इमोशंस हैं इस समय पर वो आपके टुवर्ड्स कैसे हैं. ओके, आपको लेकर के ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है. वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, सम चीटिंग सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, सम बिट्रेयल और सेपरेशन आई कैन सी. काफी लोगों के बीच में कुछ सेपरेशन है डेफिनेटली, या कुछ जो फैसला है वो सेपरेशन को लेकर के भी हो सकता है. क्वीन ऑफ वॉन्स है हमारे पास में, द एम्प्रेस कार्ड है, देर इज ट्रू लव, अनकंडीशनल लव. वी ऑल्सो हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, देर इज सम सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसी बातें हैं जो लगातार इनके दिमाग में आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं. एंड वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो विद 3 ऑफ सॉर्ड्स. सो कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से ये पेन में जा रहे हैं, अंदर से बहुत ज्यादा यू नो सैड फील कर रहे हैं और कंफ्यूजन की एनर्जी भी बढ़ी हुई है. ऑल दो आपको लेकर के इनके इमोशंस बहुत ज्यादा है. एंड आफ्टर शफलिंग हमारे पास में मून कार्ड भी निकल के आया है यहाँ पे आपके फर्स्ट स्प्रेड में से, तो इनका मन जो है वो थोड़ा सा मुझे परेशान दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में. इनको रियलाइजेशन भी आ रही है, काफी सारे लोगों के जो स्पेसिफिक पर्सन है उनको रियलाइजेशन भी आ रही है कि उनके मन में आपके लिए जो भी इमोशंस है वो बहुत जेन्युइन है, या ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं और आपके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं. या तो ये इनका कोई फियर है कि आप लोगों का सेपरेशन हो जाएगा कल को जाकर के, या आप लोग शायद ऑलरेडी सेपरेटेड हो. काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं जो ऑलरेडी सेपरेशन में है इस इंसान के साथ में. एंड ट्रस्ट मी, जो इनकी करंट एनर्जी है उसमें ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि इस चीज को, इस सेपरेशन को, या ये जो भी नेगेटिविटी आप लोगों के बीच में आई है इसको ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. और क्योंकि इनका माइंड जो है इसी डायरेक्शन में घूमता रहता है, इनके थॉट्स जो है वो इसी तरह इसी यू नो एक सर्कल में घूमते रहते हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में इनको कुछ करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, या यू नो अपने करियर में या स्टडीज में कहीं ना कहीं एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनली और मेंटली मुझे थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं. यस, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में गाइज ओवरऑल एनर्जी जो इनकी है कि ये तो ओवरऑल इनका जो थॉट है वो आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर रहने वाला है. आई कैन सी दिस पर्सन ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोच सोच करके कंफ्यूज हो रहे हैं. मे बी आप लोगों की सिचुएशन में जल्द से जल्द इनको कुछ फैसला लेना है, वो डिसीजन ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं. ऑल्दो इनकी बहुत स्ट्रांग विल है, ये करना चाहते हैं काफी कुछ, या कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन है यू नो आप लोगों की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो डिसीजन ये पर्सन लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग की वजह से. और ओवर थिंकिंग की वजह से इनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं. बट इमोशनली इट इज वेरी मच क्लियर कि आपसे ये बहुत ज्यादा यू नो बहुत लगाव है इनका, या बहुत प्यार करते हैं शायद आपको और काफी केयर भी करते हैं. वी हैव बोथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस, इनकी जो इमोशनल एनर्जी है वो अभी बड़ी भी दिखाई दे रही है. नेक्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन के इमोशंस जो है थोड़े से डामाडोल हो सकते हैं, इमोशनल ज्यादा हो रहे हैं. प्रैक्टिकलिटी वाली जो एनर्जी है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कम दिखाई दे रही है. ओके, ऑल राइट गाइज, सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही. आई रियली रियली होप कि आप लोगों की कुछ हेल्प हुई हो इस रीडिंग से. अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज एज एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा. और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और आपकी हेल्प कर पाई हूं मैं कुछ, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.